जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे 15 डेज ऑफ झारखंड वाली सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और स्वागत करते हैं हम आपका इस सीरीज़ के चौथे एपिसोड में। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाने वाले हैं जहाँ की दास्ता काफ़ी अनोखी और काफ़ी अलग है। ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको UCIL और जादूगुड़ा के कुछ दर्दनाक हकीकत के बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दे पे हमने इसको कवर किया है। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी को इसके बारे में पता चले, इसकी सच्चाई पता चले, और आप अपने राय भी दें इसमें कि क्या सही है क्या गलत है। ১৯৬৭ में एक महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत हुई। झारखंड के जादूगुड़ा में UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना देश में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए ज़रूरी यूरेनियम का प्रबंध करने के लिए किया गया। जादूगुड़ा में पहली माइन खोलने के बाद UCIL ने झारखंड के 5 गाँव बगजाता, भाटिन, नरवा पहाड़, तुरमडी और मोहलडी में भी माइन खोले। 2032 तक भारत ने सोचा है 63 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट कर प्रोग्रेस की राह पर कदम बढ़ाया जाए। पर जैसा कहते हैं, प्रोग्रेस कम्स एट अ प्राइस, वो प्राइस चुकानी पड़ी है जादूगोड़ा के लोगों को। जब हम इस सफ़र में और गहराइयों तक जाएंगे, हम देखेंगे उन कहानियों को जिनमें समय ने छोड़ दिए हैं अपने निशान, हिम्मत, चुनौतियाँ और उम्मीदें। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं नज़दीकी गांव की तरफ, वहां की स्थिति को जानने के लिए। किधर अपाहिज अपाहिज है, फेस पूरा झुल गया है, चेहरा है? बोल भी नहीं पाते। हाँ, अच्छा बोल नहीं पाते। बटन मैनेज, बटन मैनेज के पीछे वो कॉलोनी है ना? हाँ। वो बीच में एक तो घर है, माइक है। क्या नाम है आपका? मेरो हस्ता नाम। हाँ। और ये बचपन से ही ऐसे है? मैं तो किधर खून घूम रहा है, बचपन से ही है। और ये यूरेनियम वाला जो माइन, उसके ही कारण हुआ है।
हाँ मतलब उसके ही इफेक्ट से हुआ ना, मतलब शुरू से बच्चे से ही लोग यहाँ पे बहुत सारे जो इफेक्टेड हुए हैं इसी के कारण। यहाँ तो 10 किलोमीटर सबको बहुत सारा लोग गुजर दिया है। तो ये लोग का कोई मतलब कोई आता है कुछ देखने उखने के लिए? कोई नहीं यहाँ कोई को तो बड़ा गांव से आता है ये लोग वजन वजन देने के लिए। बड़ा गांव से? हाँ तो सामने है, वहाँ पे भी तो है सर। नौकर को मिला कौन है? कितना साल पहले का है? 10-12 साल हो गया। और 10-12 साल के बाद अचानक से ऐसे हो गया? अच्छा ये तो फिर आ गया। आपका बच्चा लोग ऐसे सीधा नॉर्मल है? नॉर्मल है, एक तो बेटी है। अच्छा मेरा तो शादी हुआ ना झट के चल। अच्छा खड्डे के सामने रुक दी तो देखे जादूगोड़ा और बाकी के यूरेनियम माइंस के आसपास के गांव के लोग कैंसर, ट्यूमर, फिजिकल डिसेबिलिटी और कई तरह के बीमारियों से जूझ रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक इन सब के पीछे का कारण वातावरण में हाई रेडिएशन लेवल है, पर UCIL कहता है यह एक महज गलत फहमी है। UCIL के अनुसार भारत में उत्पन्न और अन्य देशों के कंपैरिजन में लो ग्रेड का है और इनका रेडियो एक्टिव कंटेंट भी काफ़ी कम है। UCIL कहता है कि लोगों के बीच में हो रही बीमारियों का कारण रेडिएशन नहीं बल्कि खाने की कमी, मलेरिया और अस्वच्छ वातावरण है। लेकिन यह सिर्फ UCIL का व्यू था। आइए देखते हैं गांव वालों का क्या कहना है। दो टेलिंग पॉइंट के बीच में ये जहर स्थान है। पहला जो टेलिंग पॉइंट है उसका एक्सटेंशन हो रहा है, कुछ महीना से UCIL कंपनी इसी टेलिंग डैम में अपना कचरा डाल रहा है। फर्स्ट टेलिंग पॉइंट में सीपेज के कारण ये पूरा पानी डूब रहा है, ये जहर स्थान डूब रहा है। ये हम लोग को पहले से मालूम था कि इस तरह से होगा, हम लोग उसका विरोध भी किया था। UCIL के लापरवाही के कारण जो भी स्थिति बना है ये बहुत ही दयनीय है और निंदनीय है, और इसमें अभी मैनेजमेंट का एक चाल है जो गांव के लोगों को आपस में लड़वाने का। कुछ लोगों को टेंडर दिया, कुछ लोगों को नौकरी दिया, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके वो आपस में लड़वाने का कोशिश कर रहा है।